शहर की हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक शेयर और फॉलो करें। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हर्षिता अरोड़ा। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज अभी बंद हैं, लेकिन इसी बीच लोगों को कोरोना से बचने के लिए सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तरह तरह की गाइडलाइंस दी जा रही हैं। इसी बीच नीट और जेईई की परीक्षाएं सितंबर में तय तारीखों पर ही होंगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ विद्यार्थियों को परीक्षा में भाग लेना होगा। अगर आपको इस परीक्षा में बैठना है तो आपको मास्क और ग्लव्स पहनना होगा, और अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपको सेंटर से ये चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी। कोरोना काल में हो रही इन परीक्षाओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। अगर उनके पास ये नहीं होगा उन्हें सेंटर से उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% नीट केंद्र बढ़ाए गए हैं। JEE मेंस और नीट को लेकर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, इससे परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। NTA ने बताया कि JEE मेंस की 1 से 6 सितंबर के बीच होने वाले परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि करीब 6.49 लाख आवेदकों ने इसे डाउनलोड भी किया है। वहीं कोविड के संक्रमण को देखते हुए 99% से ज़्यादा आवेदकों को उनकी पहली पसंद के सेंटर को आवंटित किए गए हैं। तो सभी दर्शकों से वॉइस ऑफ पानीपत यही अपील करता है कि कोरोना का कहर अभी कम नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप सभी नियमों का पालन ज़रूर करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। नमस्कार।